हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉडीगार्ड. तो बॉडीगार्ड फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक प्रॉपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करके देने वाला हूँ फिल्म का के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेज के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत करेंगे साथ ही फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते ही बॉडीगार्ड गार्ड जो दो की हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म है जहां पे फिल्म 2010 की जो मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी बॉडीगार्ड उसका एक ऑफिशियल रीमेक है जहां पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा मैथ्रा कुरियन और थयंगा राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था सिद्दीकी ने जहाँ पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीब सौ डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल uh, रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी इसके साथ साथ जेपी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग्स है वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग्स है वो अलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी ही बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वहीं पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पे ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सेजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय शंखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव विधिवार जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सिरोत ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो काफी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जनस को मिलाकर कर करीबन करीब बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल किरदार में देखने को मिलेंगे बॉडीगार्ड गार्ड जहाँ पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेड सविता का रोल प्ले किया हुआ था गोवर्धन ने शेखर का रोल प्ले किया हुआ था महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन महात्रे का रोल दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में मिसिस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना कैफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल ट्रैक है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसरा में इस फिल्म ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने महात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था थी फिल्म के कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन पैंतालीस करोड़ के आसपास खरीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रिमेक के लिए सिद्दीकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो स्कार करीना कपूर वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्ज़न था मलयालम वर्ज़न जहाँ पे अलविरा और अतुल ने सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जिसकी ने उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी निमेक् करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सीक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फिल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम के

वहीं पर फिल्म में जो कॉमेडी पंची से जो सभी चीज़ें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने किया हुआ वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी अब म्यूजिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हिमेश रेशमा ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूजिक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन 2250 सौ में इंडिया में 70 सिटीज में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स और इसमें टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को डोलबीस सराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज किया गया था जहां पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है उसको भी काफी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहाँ पे बॉडी फिल्म के सेटेलाइट ओ टी है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बॉडीगार्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहाँ पे

इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था ग्रोस कलेक्शन दो करोड़ पचहत्तर लाख का था ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन छियालीस करोड़ चौबीस लाख का था और वर्ल्ड वाइड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो करोड़ निन्यानवे लाख का जहाँ पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया है जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और और साथ ही में जो ओपन ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े साथ ही में बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म धमाका मचाते हुए डिस्ट्रीब्यूटर एक्सिब्यूटर प्रोड्यूसर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया हुआ था और साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसको आई पे करीबन छब्बीस वोट मिले हुए थे जिसमें चार पॉइंट की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से अब हम बात करें OTT के उपर, तो फिल्म के जो OTT है और है, वो ने खरीदे हुए स्टार ने। और ये फिल्म आपको प्लस के ऊपर फ्री में आप बॉडी नाम के साथ इंग्लिस इंजॉय कर सकते हो वहां पर कोई सब्सक्रिप्शन या तो लॉग नहीं लगने वाला है अब हम बात करें सैटेलाइट की तो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचईडी चैनल के ऊपर फ्री में बॉडीगार्ड नाम के साथ देख सकते सकते हो वहाँ पे फिल्म प्रीमियर होगी एक बार फिर रिपीट कर देता कि बॉडीगार्ड जो वर्जन है, वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार्ड एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे बॉडी गार्ड जो दो हजार ग्यारह की हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म जहाँ पे फिल्म 2010 की जो मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी बॉडीगार्ड उसका एक ऑफिशियल रीमेक है जहाँ पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा कुरियन और थयंगा राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था सिद्दीकी ने जहाँ पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे, पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी इसके साथ साथ जेपी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग्स है वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग्स है वो अलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वहीं पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पे ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सेजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय सांखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव विद जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सीरो ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने ख़रीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जनस को मिलाकर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल के में देखने को मिलेंगे बॉडी गार्ड पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म नेता ने बिंद्रा का रोल प्ले, प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना कैफ ने इस फिल्म नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंस राज ने इस फिल्म महात्रे ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने महात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था यह फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो रिल्फ प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन 45 करोड़ के आसपास खरीदे हुए जहां पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रीमेक के लिए सिद्दिकी को ही लिया गया था रीमेक को डिरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन को ऑफर किया गया था जो कारीना कपूर का वाला किरदार है वो पहले नयन को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को, को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था मलयालम वर्जन जहाँ पे अलवीरा और अतुल ने को सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जी ने उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहां पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी निम्क करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को सिम्बे बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सिक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फिल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम के ऊपर यानी कि करीना कपूर जो दिव्या राना है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है उनकी लव स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है एक ट्विस्ट की वजह से एक चीज़ की वजह से कैसे एक मिसअंडरस्टेंडिंग होती है उसके बाद में बाद में वो जब मिलती है वह तब क्या क्या चीजें होती है वह सब चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है जहाँ पे रोमेंस एक्शन ड्रामा इमोशंस इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण एड किया हुआ है का स्क्रीन प्ले बढ़िया था एक टाइट स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है कहानी उस समय के हिसाब से एक यूनिक नजर आ रही थी डिरेक्शन काफी अच्छा नजर आ रहा था ऑन दी पॉइंट था वहीं पर फिल्म में जो कॉमेडी पंचीज से जो सभी चीजें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया थी जहां पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से ने किया हुआ वो काफी अच्छा नजर आता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूज़िक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हेमेश ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूजिक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन 2250 सौ में इंडिया में 70 सिटीज में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स और टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को डोलबिस सराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज किया गया था जहां पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है उसको भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहाँ पे बॉडी फिल्म के सेटेलाइट ओ टी है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बॉडीगार्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहाँ पर पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था क्रॉस कलेक्शन 206 करोड़ पचहत्तर लाख का था क्रॉस कलेक्शन करोड़ लाख का था और वर्ल्ड वाइड जो लाइफ टाइम क्रॉस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो करोड़ निन्यानवे लाख का जहाँ पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया है। जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे काफी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और साथ ही में जो ओपन ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े साथ ही में बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म धमाका मचाते हुए डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर प्रोड्यूसर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया हुआ था और साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसको आई पे करीबन छब्बीस हजार वोट मिले हुए थे जिसमें की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से। अब हम बात करें से के ऊपर तो से से ने। देखने को मिलेगी जहां पर फिल्म को बिल्कुल फ्री में आप बॉडीगार्ड नाम के साथ टाइटल सा इंजॉय कर सकते हो वहां पर कोई सब्सक्रिप्शन या तो लॉग इन नहीं लगने वाला है अब हम बात करें सेटेलाइट की तो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल

जहाँ पे फिल्म 2010 की जो मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी बॉडीगार्ड उसका एक ऑफिशियल रीमेक है जहाँ पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा कुरियन और थयंगा राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था सिद्दीकी ने जहाँ पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे, पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी इसके साथ साथ जेपी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग्स है वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग्स है वो अलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वहीं पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पे ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सैजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय संखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव वी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सीरो ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जन को मिलाकर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल किरदार में देखने को मिलेंगे बॉडी गार्ड पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेड सविता का रोल प्ले किया हुआ था गोवर्धन असरानी ने शेखर का रोल प्ले किया हुआ था महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन महात्रे का रोल दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में मिसिस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था केटरीना कैफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल ट्रेक है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसराज ने इस फिल्म में महात्रे ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने महातरे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था ये फ़िल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो रिलई प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन 45 करोड़ के आसपास ख़रीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रीमेक के लिए सिद्दिकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो कार करीना कपूर का वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को, को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था मलयालम वर्जन जहाँ पे अलवीरा और अतुल ने को सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जी ने उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहां पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी निम्क करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को सिम्बे बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सिक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फिल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम के ऊपर यानी कि करीना कपूर जो दिव्या राना है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है उनकी लव स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है एक ट्विस्ट की वजह से एक चीज़ की वजह से कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसके बाद में बाद में वो जब मिलती है वह तब क्या क्या चीज़ें होती है वह सब चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट एड की हुई है जहाँ पे रोमेंस एक्शन ड्रामा इमोशंस इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण एड किया हुआ है का स्क्रीन प्ले बढ़िया था एक टाइट स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है कहानी उस समय के हिसाब से एक यूनिक नजर आ रही थी डिरेक्शन काफी अच्छा नजर आ रहा था ऑन दी पॉइंट था वहीं पर फिल्म में जो कॉमेडी पंचीज से जो सभी चीजें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया थी जहां पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से ने किया हुआ वो काफी अच्छा नजर आता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूज़िक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हेमेश रिस ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूजिक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन 2250 सौ पचास में इंडिया में 70 सिटीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स ओर से इसमें टेरेटरी में, में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को डोलबिस सराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइड्स है उसको भी काफी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहां पे बॉडीगार्ड फिल्म के सैटेलाइट ओ टी टी राइड वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बॉडीगार्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था क्रॉस कलेक्शन दो करोड़ पचहत्तर लाख का था ओवरसीज क्रॉस कलेक्शन छियालीस करोड़ चौबीस लाख का था और वर्ल्ड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो सौ बावन करोड़ निन्यानवे लाख का जहां पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो सौ पचपन करोड़ तक का इस फिल्म ने कलेक्शन करके दिखाया है। जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक बस्टर्स साबित हुई थी जहां पे काफी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और साथ ही में जो ओपन, ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए

और ये फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म यानी कि डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में आप बॉडी नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल कर सकते हो वहां पर कोई सब्सक्रिप्शन या तो लॉग नहीं लगने वाला है अब हम बात करें सेटेलाइट की तो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में बॉडी नाम के साथ देख सकते हो वहाँ पे फिल्म प्रीमियर होगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बॉडी फिल्म आप ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियल इंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश टाइटल वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो मलयालम तो लैंग्वेज फिल्म, फिल्म, फिल्म थी बॉडीगार्ड उसका एक ऑफिशियल रीमेक है जहां पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा मैथ्रा कुरियन और राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया था सिद्ध सिद्दीकी ने जहाँ पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीब डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी में राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी के साथ साथ जे पी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग से वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग से वो आलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री थी वहीं पर रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पे ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पर इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सेजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय संखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव वी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सीरो ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जनस को मिलाकर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल के में देखने को मिलेंगे बॉडी गार्ड पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेड सविता का रोल प्ले प्ले किया हुआ था। असरानी ने सेकर का प्ले किया हुआ हुआ था था गोवर्धन ने शेखर का का रोल रोल महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन महात्रे का दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में मिसिस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना कैफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल ट्रैक है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसरा इस फिल्म में ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने महात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था थी फिल्म कास्ट जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन 45 करोड़ के आसपास खरीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रीमेक के लिए सिद्दिकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो कार करीना कपूर वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्ज़न था मलयालम वर्ज़न जहाँ पे अलविरा और अतुल ने सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जी ने उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी निमेक् करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सिक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फिल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम की

वहीं पर फिल्म में जो कॉमेडी पंची से जो सभी चीज़ें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से सीमेटोग्राफर ने किया हुआ वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूजिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हेमेश रिसे ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूजिक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन बाईस सौ पचास स्क्रीन में इंडिया में सत्तर सिटीज़ में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स ओर से इसमें टेरेटरी में, में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को डोलबिस सराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइड्स है उसको भी काफी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहाँ पे बॉडीगार्ड फिल्म के सेटेलाइट ओ टी टी राइड वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर तो बॉडी गार्ड फिल्म ऑफिस पर काफी बड़ी धमाकी मचाई हुई थी जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन इंडिया नेट कलेक्शन एक सौ अड़तालीस करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था क्रॉस कलेक्शन दो करोड़ पचहत्तर लाख का था ओवरसीज क्रॉस कलेक्शन छियालीस करोड़ चौबीस लाख का था और वर्ल्ड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो सौ बावन करोड़ निन्यानवे लाख का जहां पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो सौ पचपन करोड़ तक कलेक्शन करके दिखाया है। जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक बस्टर्स साबित हुई थी जहां पे काफी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और साथ ही में जो ओपन, ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े साथ ही में बॉक्स ऑफिस इस फिल्म मचाते हुए। का एक अच्छा खासा करके अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसको आई पे करीबन छब्बीस वोट मिले हुए थे जिसमें चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से अब हम बात करें ओटीटी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो बॉडी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है और सेटेलाइट राइट्स है वो एक ही प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए स्टार नेटवर्क ने और ये फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म यानी कि डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में आप बॉडी नाम के साथ विथ इंग्लिस इंजॉय कर सकते हो वहां पर कोई सब्सक्रिप्शन या तो लॉग नहीं लगने वाला है अब हम बात करें सेटेलाइट की तो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में बॉडी नाम के साथ देख सकते हो वहाँ पे फिल्म प्रीमियर होगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बॉडी फिल्म आप ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियल इंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश

ने जहा पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन दो सौ डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल uh, रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी इसके साथ साथ जे पी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडेप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग से वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग से वो आलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वहीं पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पे एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सैजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय संखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव वी दीवार जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सीरो ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जन को मिलाकर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल के में देखने को मिलेंगे बॉडी गार्ड पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल ने इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेड सविता का रोल प्ले प्ले किया किया हुआ हुआ था था गोवर्धन असरानी ने शेखर का का रोल रोल महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में मिसिस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना कैफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल ट्रैक है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसरा फिल्म ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने महात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था थी फिल्म के कास्ट जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रिलायंस प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन पैंतालीस करोड़ के आसपास खरीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रीमेक के लिए सिद्दीकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो कार करीना कपूर वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्नि होत्री और अतुल जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्ज़न था मलयालम वर्ज़न जहाँ पे अलविरा और अतुल ने सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जी ने उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी निमेक् करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सिक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फिल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम की

वहीं पे फिल्म में जो कॉमेडी पंची से जो सभी चीज़ें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने किया हुआ वो काफ़ी अच्छा नजर आता था एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड्स को काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूजिक के ऊपर बातचीत कर रहे तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हेमेश रेशमा ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूज़िक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन बाईस सौ पचास में इंडिया में सत्तर सिटीज़ में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स ओर से इसमें टेरेटरी में, में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को डोलबिस सराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइड्स है उसको भी काफी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहाँ पे बॉडीगार्ड फिल्म के सेटेलाइट ओटीटी टी टी वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के ऊपर तो बॉडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस काफी बड़ी धमाकी मचाई हुई थी जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन इंडिया नेट कलेक्शन एक सौ अड़तालीस करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था क्रॉस कलेक्शन दो करोड़ पचहत्तर लाख का था ओवरसीज क्रॉस कलेक्शन छियालीस करोड़ चौबीस लाख का था और वर्ल्ड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो सौ बावन करोड़ निन्यानवे लाख का जहां पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो सौ पचपन करोड़ तक का इस फिल्म ने कलेक्शन करके दिखाया है। जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक बस्टर्स साबित हुई थी जहां पे काफी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और साथ ही में जो ओपन, ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े साथ ही में बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म मचाते हुए। का एक अच्छा, अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसको आई पे करीबन छब्बीस वोट मिले हुए थे जिसमें चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से अब हम बात करें ओ टी के ऊपर तो बॉडी फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है और सेटेलाइट राइट्स है वो एक ही प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए स्टार नेटवर्क ने और ये फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म यानी कि डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में आप बॉडी नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल कर सकते हो वहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन या तो लॉग नहीं लगने वाला है अब हम बात करें सेटेलाइट की तो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में बॉडी नाम के साथ देख सकते हो वहाँ पे फिल्म प्रीमियर होगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बॉडी फिल्म आप ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियल इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिस सब टाइटल वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे बॉडी जो दो की हिंदी लैंग्वेज रोमेंटिक एक्शन फिल्म है जहाँ पे फिल्म 2010 की जो मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी बॉडीगार्ड उसका एक ऑफिशियल रीमेक है जहाँ पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा मैथ्रा कुरियन और थयंगा राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था सिद्ध ने जहाँ पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन दो सौ डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी इसके साथ साथ जेपी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग्स है वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग्स है वो अलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी ही बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वहीं पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पे ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सेजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय संखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव विद जहाँ पे फिल्म को करीबन एक, एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सिरोतक ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जन को मिलाकर कर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल के में देखने को मिलेंगे बॉडीगार्ड जहाँ पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल ने इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेढ सविता का रोल प्ले किया हुआ था गोवर्धन असरानी ने शेखर का रोल प्ले किया हुआ था महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन महात्रे का रोल दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में मिसिस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना कैफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडी टाइटल ट्रे है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसराज ने इस फिल्म में महात्रे ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने मात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो रिलई प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन 45 करोड़ के आसपास ख़रीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रिमेक के लिए सिद्धकी को ही लिया गया था रिमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो करीना कपूर वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्नि होत्री और अतुल होत्री जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्ज़न था मलयालम वर्ज़न जहाँ पे अलविरा और अतुल ने सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जी ने उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी निमें करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सीक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फिल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम की

वहीं पर फिल्म में जो कॉमेडी पंची से जो सभी चीज़ें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर ने किया हुआ वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूज़िक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हेमेश रेशमा मैंने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूज़िक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन बाईस सौ पचास में इंडिया में सत्तर सिटीज में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स और टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को एक डोलबिस अराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज किया गया था जहां पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है उसको भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहाँ पे बॉडी फिल्म के सेटेलाइट ओ टी टी है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बॉडीगार्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहाँ

इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था ग्रोस कलेक्शन दो करोड़ पचहत्तर लाख का था ओवरस ग्रोस कलेक्शन छियालीस करोड़ चौबीस लाख का था और वर्ल्ड वाइड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो करोड़ निन्यानवे लाख का जहाँ पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया है जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और और साथ ही में जो ओपन ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था, जो इस फिल्म नहीं किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े साथ ही में बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म धमाका मचाते हुए डिस्ट्रीब्यूटर एक्सिब्यूटर प्रोड्यूसर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया हुआ था और साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसको आई पे करीबन छब्बीस वोट मिले हुए थे जिसमें चार पॉइंट

में के जहाँ पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा कुरियन और थयंगा राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था सिद्दीकी ने जहाँ पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी इसके साथ साथ जेपी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग्स है वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग्स है वो अलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी ही बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वहीं पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पे ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सेजल शाह ने किया हुआ है, एजल फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय शंखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव वी धीवार जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 131 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे 11 मिनट के देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सीरो ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो काफी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी को मिलाकर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल किरदार में देखने को मिलेंगे बॉडी गार्ड पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेड सविता का रोल प्ले किया हुआ था गोवर्धन असरानी ने शेखर का रोल प्ले किया हुआ था महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन महात्रे का रोल दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में फिल्मिस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना कैफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल ट्रैक है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसरा फिल्म ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने महात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था थी फिल्म प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रिलाई प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन पैंतालीस करोड़ के आसपास खरीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रिमेक के लिए सिद्दीकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो करीना कपूर वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था मलयालम वर्ज़न जहाँ पे अलवीरा और अतुल ने को सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था ने उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी रिमेक करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को सिम्बे बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सिक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फ़िल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम के ऊपर यानी कि करीना कपूर जो दिव्या राणा है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है उनकी लव स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है एक ट्विस्ट की वजह से एक चीज की वजह से कैसे एक मिसअंडरस्टेंडिंग होती है उसके बाद में बाद में वो जब मिलती है वह तब क्या क्या चीज़ें होती है वह सब चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है जहाँ पे रोमेंस एक्शन ड्रामा इमोशंस इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण एड किया हुआ है का स्क्रीन प्ले बढ़िया था एक टाइट स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है कहानी उस समय के हिसाब से एक यूनिक नजर आ रही थी डिरेक्शन काफी अच्छा नजर आ रहा था ऑन दी पॉइंट था वहीं पर फिल्म में जो कॉमेडी पंचीज से जो सभी चीजें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया थी जहां पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से ने किया हुआ वो काफी अच्छा नजर आता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूज़िक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हिमेश रेशमा ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूज़िक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का एक रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन बाईस सौ पचास में इंडिया में सत्तर सिटीज में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स और टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को एक डोल बीस अराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज किया गया था जहां पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है उसको भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहाँ पे बॉडी फिल्म के सेटेलाइट ओ टी है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बॉडीगार्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहां पर पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था क्रॉस कलेक्शन 206 करोड़ पचहत्तर लाख का था क्रॉस कलेक्शन करोड़ 24 लाख का था और वर्ल्ड वाइड जो लाइफ टाइम क्रॉस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो करोड़ निन्यानवे लाख का जहाँ पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया है जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे काफी बड़ी साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और साथ ही में जो ओपन ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े साथ ही में बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म धमाका मचाते हुए डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर प्रोड्यूसर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया हुआ था और साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसको आई

जहाँ पे फिल्म 2010 की जो मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी बॉडीगार्ड उसका एक ऑफिशियल रीमेक है जहाँ पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा कुरियन और थयंगा राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था सिद्दीकी ने जहाँ पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी इसके साथ साथ जेपी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग्स है वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग्स है वो अलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी ही बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वहीं पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पर एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सेजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय संखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव विद जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सीरो ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जन्स को मिलाकर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल किरदार में देखने को मिलेंगे बॉडी गार्ड पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेड सविता का रोल प्ले किया हुआ था गोवर्धन असरानी ने शेखर का रोल प्ले किया हुआ था महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन माथरे का रोल दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में मिसेस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था केटरीना केफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल ट्रेक है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसराज ने इस फिल्म में महात्रे ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने मात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रिलय प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन 45 करोड़ के आसपास ख़रीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रीमेक के लिए सिद्दिकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो कार करीना कपूर वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था मलयालम वर्जन जहाँ पे अलवीरा और अतुल ने को सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जी उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहां पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को सिम्बे बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सीक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फ़िल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम के ऊपर यानी कि करीना कपूर जो दिव्या राणा है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है उनकी लव स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है एक ट्विस्ट की वजह से एक चीज की वजह से कैसे एक मिसअंडरस्टेंडिंग होती है उसके बाद में बाद में वो जब मिलती है वह तब क्या क्या चीज़ें होती है वह सब चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है जहाँ पे रोमेंस एक्शन ड्रामा इमोशंस इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण एड किया हुआ है का स्क्रीन प्ले बढ़िया था एक टाइट स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है कहानी उस समय के हिसाब से एक यूनिक नजर आ रही थी डिरेक्शन काफी अच्छा नजर आ रहा था ऑन दी पॉइंट था वहीं पर फिल्म में जो कॉमेडी से जो सभी चीजें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया थी जहां पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से ने किया हुआ वो काफी अच्छा नजर आता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूज़िक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हेमेश रेशमा मैंने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूज़िक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का 131 रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन 2250 सौ में इंडिया में 70 सिटीज में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स और टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को एक डोलबिस अराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज किया गया था जहां पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है उसको भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहाँ पे बॉडी फिल्म के सेटेलाइट ओ टी है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बॉडीगार्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहां पर पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था कलेक्शन 206 करोड़ पचहत्तर लाख का था कलेक्शन करोड़ 24 लाख का था और वर्ल्ड वाइड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो करोड़ निन्यानवे लाख का जहा पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो तो करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया है जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक साबित हुई थी जहा पे काफी बड़ी साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और साथ ही में जो ओपन, ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े साथ ही में बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म धमाका मचाते हुए डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर प्रोड्यूसर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया हुआ था और साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसको आई

जहाँ पे फिल्म 2010 की जो मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी बॉडीगार्ड उसका एक ऑफिशियल रीमेक है जहाँ पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा कुरियन और थयंगा राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था सिद्दीकी ने जहाँ पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी के साथ साथ जे पी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग से वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग से वो आलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी ही बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वही पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सैजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय संखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव वी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सीरो ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जनस को मिलाकर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल किरदार में देखने को मिलेंगे बॉडी गार्ड पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल ने इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेड सविता का रोल प्ले किया हुआ था गोवर्धन असरानी ने शेखर का रोल प्ले किया हुआ था महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन माथरे का रोल दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में मिसेस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना केफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल ट्रैक है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसराज ने इस फिल्म में महात्रे ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने मात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था ये फ़िल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो रिलय प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन पैंतालीस करोड़ के आसपास ख़रीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रीमेक के लिए सिद्दिकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो कार करीना कपूर वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था मलयालम वर्जन जहाँ पे अलवीरा और अतुल ने को सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जी उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहां पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी निमक करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को सिम्बे बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सीक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फ़िल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम के ऊपर यानी कि करीना कपूर जो दिव्या राणा है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है उनकी लव स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है एक ट्विस्ट की वजह से एक चीज की वजह से कैसे एक मिसअंडरस्टेंडिंग होती है उसके बाद में बाद में वो जब मिलती है वह तब क्या क्या चीज़ें होती है वह सब चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है जहाँ पे रोमेंस एक्शन ड्रामा इमोशंस इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण एड किया हुआ है का स्क्रीन प्ले बढ़िया था एक टाइट स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है कहानी उस समय के हिसाब से एक यूनिक नजर आ रही थी डिरेक्शन काफी अच्छा नजर आ रहा था ऑन दी पॉइंट था वहीं पर फिल्म में जो कॉमेडी पंची से जो सभी चीजें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया थी जहां पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से ने किया हुआ वो काफी अच्छा नजर आता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूज़िक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हिमेश रेशमा ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूज़िक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का 131 रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन 2250 सौ पचास में इंडिया में 70 सिटीज़ में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीब चार सौ बयासी प्रिंट्स और में टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को डोल बीस अराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइड्स है उसको भी काफी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहां पे बॉडीगार्ड फिल्म के सैटेलाइट ओ टी टी राइड वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बॉडी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था क्रॉस कलेक्शन दो करोड़ पचहत्तर लाख का था ओवरसीज क्रॉस कलेक्शन छियालीस करोड़ चौबीस लाख का था और वर्ल्ड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो सौ बावन करोड़ निन्यानवे लाख का जहाँ पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो सौ पचपन करोड़ तक का इस फिल्म ने कलेक्शन करके दिखाया है जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक बस्टर्स साबित हुई थी जहां पे काफी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और साथ ही में जो ओपन, ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए

और ये फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म यानी कि डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में आप बॉडी नाम के साथ विथ इंग्लिश अब टाइटल कर सकते हो वहां पर कोई सब्सक्रिप्शन या तो लॉग नहीं लगने वाला है अब हम बात करें सेटेलाइट की तो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में बॉडी नाम के साथ देख सकते हो वहाँ पे फिल्म प्रीमियर होगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बॉडी फिल्म आप ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियल इंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश टाइटल वहीं पे फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर देखने को को मिलेगा तो इस इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली कर पाओगे Bodyguard, जो दस की हिंदी लैंग्वेज एक्शन फिल्म फिल्म है पे 2010 की जो मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी बॉडीगार्ड उसका एक ऑफिशियल रीमेक है जहां पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा मैथ्रा कुरियन और थयंगा राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था सिद्धिक की ने। जहां पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके गया था जहां पे इस फिल्म ने करीब डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी में राइट्स बेचे गए जहां पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी के साथ साथ जे पी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग से वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग से वो आलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी ही बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वही पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सैजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय संखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव वी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जन्स को मिलाकर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल किरदार में देखने को मिलेंगे बॉडी गार्ड पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ का रोल दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया था विद्या सिन्हा ने मिसिस राणाज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना कैफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंस राज ने इस फिल्म महात्रे ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने महात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो और प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन 45 करोड़ के आसपास खरीदे हुए जहाँ पे, पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रीमेक के लिए सिद्दीकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो कार करीना कपूर कर वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था मलयालम वर्जन जहाँ पे अलवीरा और अतुल ने को सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जी उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहां पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी निमक करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को सिम्बे बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सिक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फ़िल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम के ऊपर यानी कि करीना कपूर जो दिव्या राणा है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है उनकी लव स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है एक ट्विस्ट की वजह से एक चीज़ की वजह से कैसे एक मिसअंडरस्टेंडिंग होती है उसके बाद में बाद में वो जब मिलती है वह तब क्या क्या चीज़ें होती है वह सब चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट की हुई है जहाँ पे रोमेंस एक्शन ड्रामा इमोशंस इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण एड किया हुआ है का स्क्रीन प्ले बढ़िया था एक टाइट स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है कहानी उस समय के हिसाब से एक यूनिक नजर आ रही थी डिरेक्शन काफी अच्छा नजर आ रहा था ऑन दी पॉइंट था वहीं पर फिल्म में जो कॉमेडी पंचीज से जो सभी चीजें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया थी जहां पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से ने किया हुआ वो काफी अच्छा नजर आता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूज़िक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हिमेश रेशमा ने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूजिक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का 131 रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन 2250 सौ में इंडिया में 70 सिटीज में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स ओवर्स इसमें टेरिटरी में, में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को डोल बीस अराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज किया गया था जहाँ पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है उसको भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहाँ पे बॉडी फिल्म के सेटेलाइट ओ टी है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बॉडीगार्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था क्रॉस कलेक्शन 206 करोड़ पचहत्तर लाख का था वर्स ग्रोस कलेक्शन छियालीस करोड़ चौबीस लाख का था और वर्ल्ड वाइड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो करोड़ निन्यानवे लाख का जहाँ पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया है जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे काफी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और साथ ही में जो ओपन ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े साथ ही में बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म में धमाका मचाते हुए डिस्ट्रीब्यूटर एक्सिब्यूटर प्रोड्यूसर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया हुआ था और साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ था जिसके चलते फिल्म ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसको आई पे करीबन छब्बीस वोट मिले हुए थे जिसमें चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से अब हम बात करें ओ टी तो फिल्म के जो राइट्स है और टी राइट्स है वो एक ही प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए स्टार नेटवर्क ने और ये फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म यानी कि डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में आप बॉडीगार्ड नाम के साथ इंग्लिश टाइटल इंजॉय कर सकते हो वहां पे कोई सब्सक्रिप्शन या तो लॉगिन नहीं लगने वाला

हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म है जहाँ पे फिल्म 2010 की जो मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी बॉडीगार्ड उसका एक ऑफिशियल रीमेक है जहाँ पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा महित्रा कुरियन और थयंगा राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ था सिद्दीकी ने जहाँ पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन दो सौ डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी इसके साथ साथ जे पी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडेप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग्स है वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग्स से वो आलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की थी जहाँ पे उनकी बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वहीं पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पे ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सैजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय संखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव वी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सीरो ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो काफी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जन को मिलाकर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल किरदार में देखने को मिलेंगे बॉडी गार्ड जहाँ पर उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल ने इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेड सविता का रोल प्ले किया हुआ था गोवर्धन ने शेखर का रोल प्ले किया हुआ था महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन महात्रे का रोल दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में मिसिस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना केफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल ट्रे है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसराज ने इस फिल्म में महात्रे ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने महात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो रिलय प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन 45 करोड़ के आसपास खरीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रीमेक के लिए सिद्दीकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो कार करीना कपूर का वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्ज़न था मलयालम वर्ज़न जहाँ पे अलविदा और अतुल ने सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जी ने उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी निमेक् करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को सिम्बेबेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सीक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फिल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम के

वहीं पे फिल्म में जो कॉमेडी पंचीज से जो सभी चीज़ें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से सीमेटोग्राफर ने किया हुआ वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूज़िक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हिमेश रिसे मैंने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूज़िक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का 131 रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन 2250 सौ पचास में इंडिया में 70 सिटीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीब चार सौ बयासी प्रिंट्स और इसमें टेरिटरी में, में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को डोल बीस अराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइड्स है उसको भी काफी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहां पे बॉडीगार्ड फिल्म के सेटेलाइट ओ टी वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस ऊपर तो बॉडीगार्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस काफ़ी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था क्रॉस कलेक्शन दो करोड़ पचहत्तर लाख का था ओवरसीज क्रॉस कलेक्शन छियालीस करोड़ चौबीस लाख का था और वर्ल्ड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो सौ बावन करोड़ निन्यानवे लाख का जहां पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो सौ पचपन करोड़ तक का इस फिल्म ने कलेक्शन करके दिखाया है। जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक बस्टर्स साबित हुई थी जहां पे काफी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और साथ ही में जो ओपन, ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए

और ये फिल्म आपको ओटी टी प्लेटफॉर्म यानी कि डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में आप बॉडी नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल कर सकते हो वहां पर कोई सब्सक्रिप्शन या तो लॉग नहीं लगने वाला है अब हम बात करें सेटेलाइट की तो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में बॉडी नाम के साथ देख सकते हो वहाँ पे फिल्म प्रीमियर होगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बॉडी फिल्म आप ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियल इंजॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश टाइटल वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो मलयालम तो लैंग्वेज फिल्म, फिल्म, फिल्म थी बॉडीगार्ड उसका एक ऑफिशियल रीमेक है जहां पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा मैथ्रा कुरियन और राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था सिद्ध ने जहा पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन दो सौ डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी इसके साथ साथ जे पी चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडेप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग्स है वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग्स से वो आलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वहीं पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पे ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सैजल शाह ने किया हुआ है एजल की इतने फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय संखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव वी धीवार जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट की देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप सीरो ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो काफी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जन को मिलाकर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल केदार में देखने को मिलेंगे बॉडीगार्ड जहाँ पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल ने इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेढ सविता का रोल प्ले किया हुआ था गोवर्धन असरानी ने शेखर का रोल प्ले किया हुआ था, था। महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन महात्रे का रोल दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में मिसिस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना कैफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल ट्रे है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसराज ने इस फिल्म में महात्रे ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने महात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था थी ये फ़िल्म के प्रोमिनंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो रिलई प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन पैंतालीस करोड़ के आसपास ख़रीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रिमेक के लिए सिद्धकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो करीना कपूर वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्नि होत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्ज़न था मलयालम वर्ज़न जहाँ पे अलविदा और अतुल ने सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था जी ने उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी निमेक् करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज्यादातर सीक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फिल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम के

वहीं पे फिल्म में जो कॉमेडी पंचीज से जो सभी चीज़ें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से सीमेटोग्राफर ने किया हुआ वो काफ़ी अच्छा नज़र आता था एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्ट्रेस की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूज़िक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हिमेश रिसे मैंने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूज़िक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का 131 रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन 2250 सौ पचास में इंडिया में 70 सिटीज में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स और इसमें टेरिटरी में, में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को डोल बीस अराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज किया गया था जहाँ पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइड्स है उसको भी काफी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहां पे बॉडीगार्ड फिल्म के सैटेलाइट ओ टी से राइड्स है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बॉडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था क्रॉस कलेक्शन दो करोड़ पचहत्तर लाख का था ओवीज ग्रोस कलेक्शन छियालीस करोड़ चौबीस लाख का था और वर्ल्ड वाइड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो करोड़ निन्यानवे लाख का जहाँ पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया है जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और और साथ ही में जो ओपन ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े साथ ही में बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म धमाका मचाते हुए डिस्ट्रीब्यूटर एक्सिब्यूटर प्रोड्यूसर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया हुआ था और साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसको आई पे करीबन छब्बीस वोट मिले हुए थे जिसमें चार पॉइंट

सकते हो वहां पे फिल्म प्रीमियर होगी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे बॉडी गार्ड जो दो हजार ग्यारह की हिंदी लैंग्वेज रोमेंटिक एक्शन फिल्म है जहां पे फिल्म दो हजार दस की जो मलयालम लैंग्वेज फिल्म थी बॉडी गार्ड उसका एक ऑफिशियल में के जहाँ पे जो मलयालम वर्जन वाला है बॉडीगार्ड उसमें लीड रोल में थे दिलीप नयन तारा मैथरा कुरियन और थयंगा राजन उस फिल्म की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था सिद्दीकी ने जहाँ पे मलयालम वर्जन बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन डेढ़ सौ दिनों तक थिएट्रिकल रन लिया हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसके बाद में फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स बेचे गए जहाँ पे फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर थे ओरिजिनल फिल्म के उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था जिनका नाम था सिद्दीकी जहाँ पे इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो सिद्दीकी इसके साथ साथ जे चौकसी और किरण कोटराल ने जो एक एडप्टेटिव स्क्रीन प्ले डायरेक्ट डायलॉग्स है वो लिखने में मदद की हुई थी एडिशनल डायलॉग्स है वो अलोक उपाध्याय ने लिखे हुए थे स्टोरी तो सिद्दीकी की ही थी जहाँ पे उनकी ही बॉडी गार्ड से इस फिल्म को उन्होंने क्रिएट किया हुआ था ज़्यादातर उन्होंने बॉलीवुड के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे लेकिन ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं किए हुए थे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था अतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान अग्निहोत्री वहीं पे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने तो ये तीन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को करीबन अच्छे खासे साठ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था उस टाइम पे ये एक अच्छा खासा बजट माना जाता था वहीं पे फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था रिलायंस डिजिटल ने रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सेजल शाह ने किया हुआ एजल फिल्म को नेरेट किया हुआ था एडिटिंग है वो संजय संखला और एक्शन एडिटर थे फिल्म के वो थे प्रणव वी दिवार जहाँ पे इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे ग्यारह मिनट के देखने को मिलेगी तो एक अच्छा शॉर्ट रन टाइम दिया हुआ था म्यूजिक में जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो क्रिएट किए हुए हिमेश रेशमिया ने गेस्ट कंपोजर थे प्रीतम चक्रवर्ती बैकग्राउंड स्कोर है वो संदीप श्रीवत् ने किया हुआ था फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स है वो काफ़ी बढ़िया प्राइस में बिके हुए थे जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट टी सीरीज़ वालों ने खरीदे हुए थे फिल्म में सभी वर्जन को मिलाकर कर करीबन बारह गाने थे वैसे फिल्म में टोटल करीबन चार गाने रखे हुए थे जहाँ पे फिलहाल में टी सीरीज के ऊपर इसको अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो सलमान खान आपको इस फिल्म में टाइटल के में देखने को मिलेंगे बॉडीगार्ड जहाँ पे उनका नाम है लवली बी सिंह करीना कपूर ने दिव्या राणा का रोल प्ले किया हुआ है करिश्मा कपूर ने छाया वाला जो उनका किरदार था उसमें उन्होंने डबिंग दी हुई है राज बब्बर ने इस फिल्म में सरताज राणा का रोल प्ले किया हुआ है जो दिव्या के फादर थे रजत रवैल ने इस फिल्म में सुरेंद्र नरेंद्र मिखा का रोल प्ले किया हुआ है जो सुनामी सिंह के रोल में देखने को मिलेंगे हेजल किस ने इस फिल्म में माया का रोल प्ले किया हुआ है मोहम्मद फैजल ने इस फिल्म में सरताज सिंह का रोल प्ले किया जो लवली के बेटे थे रीमा देवनाथ ने इस फिल्म में मेढ सविता रोल प्ले किया हुआ था गोवर्धन असरानी ने शेखर का रोल प्ले किया हुआ था महेश मांजरेकर को इस फिल्म में रंजन महात्रे का रोल दिया गया था शरद सक्सेना ने बिंद्रा का रोल प्ले किया हुआ था विद्या सिन्हा ने इस फिल्म में मिसिस राणा सरताज की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था आदित्य पंचोली ने इस फिल्म में विक्रांत महात्रे का रोल प्ले किया हुआ था कैटरीना कैफ ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर दिया हुआ है जो बॉडीगार्ड टाइटल ट्रे है उसमें उन्होंने काम किया हुआ था चेतन हंसराज ने इस फिल्म में महात्रे ब्रदर्स का रोल प्ले किया हुआ था सलीम बेग ने महात्रे के भाई का ही रोल प्ले किया हुआ था ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो रिलई प्रोडक्शन ने बताया हुआ था कि उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के राइट्स करीबन पैंतालीस करोड़ के आसपास ख़रीदे हुए जहाँ पे वो इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इक्वली इस फिल्म को वो शेयर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट भी करवाने वाले इस फिल्म को रिमेक के लिए सिद्धकी को ही लिया गया था रीमेक को डायरेक्ट करने के लिए जहाँ पे पहले तो इस फिल्म को नयन तारा को ऑफर किया गया था जो स्कार करीना कपूर वाला किरदार है वो पहले नयन तारा को दिया गया था जिन्होंने इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन में भी काम किया हुआ था लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया जहाँ पे बाद में वो रोल करीना कपूर को दिया गया था इसी तरह से इस फिल्म में काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको कास्ट किया गया था बाद में प्रोडक्शन में जुड़े हुए थे अलवीरा अग्निहोत्री और अतुल अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था मलयालम वर्जन जहाँ पे अलवीरा और अतुल ने सलमान खान को लेते हुए कुछ चीज़ों को चेंज करवाया हुआ था ने उस हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उनका जो हो रहा है उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है उस हिसाब से थोड़े चेंजेस किए हुए थे जहाँ पे बाद में इस फिल्म के जो कहानी है वो सलमान खान को सुनाई गई उनको वो कहानी काफ़ी पसंद आई वो हिंदी रिमेक करने के लिए एग्री हो गए उसके बाद में सोलह जनवरी दो को इस फिल्म की शूटिंग को सिम्बे बेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुणे में स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से ज़्यादातर सिक्वेंस वहीं पे शूट किए गए थे बाद में इस फिल्म की शूटिंग को पटियाला पंजाब में शूट किया हुआ था फिल्म के दो गाने थे उसको यूरोप में शूट किया हुआ था इसके अलावा फिल्म सिटी मुंबई में भी फिल्म को शूट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को तैयार किया गया था वैसे फिल्म का बजट था वो साठ करोड़ नहीं था उससे कम था लेकिन बनाते बनाते फिल्म का बजट बढ़ गया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी बॉडीगार्ड गार्ड और मैडम के ऊपर यानी कि करीना कपूर जो दिव्या राना है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है उनकी लव स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है एक ट्विस्ट की वजह से एक चीज़ की वजह से कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसके बाद में बाद में वो जब मिलती है वह तब क्या क्या चीज़ें होती है वह सब चीज़ें फिल्म की कहानी में सेट एड की हुई है जहाँ पे रोमेंस एक्शन ड्रामा इमोशंस इन सभी चीज़ों का एक परफेक्ट मिश्रण एड किया हुआ है का स्क्रीन प्ले बढ़िया था एक टाइट स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है कहानी उस समय के हिसाब से एक यूनिक नजर आ रही थी डिरेक्शन काफी अच्छा नजर आ रहा था ऑन दी पॉइंट था वहीं पर फिल्म में जो कॉमेडी जो सभी चीजें थी उसको अच्छी तरह से डिरेक्ट की हुई थी कहानी में दम नजर आ रहा था इस फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया थी जहां पर इस फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म की शूटिंग को जिस तरह से ने किया हुआ वो काफी अच्छा नजर आता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया हुआ था उसकी एडिटिंग भी काफी बढ़िया नजर आ रही थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छी तरह से क्रिएट किए हुए थे साथ ही में इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़िया था सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी अब म्यूजिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी ट्रैक लिस्टिंग बता देता हूँ पहला गाना था बॉडीगार्ड दूसरा गाना था आई लव यू तीसरा गाना था देसी बीट चौथा गाना था तेरी मेरी बाद में इन सभी गानों के रिमिक्स रिप्राइज वर्जन क्रिएट किए गए थे जहाँ पे आई लव यू वाला जो गाना था वो प्रीतम चक्रवर्ती ने म्यूजिक दिया हुआ था बाकी सभी गानों के लिए हिमेश रिसे मैंने म्यूजिक दिया हुआ था तो इस तरह से इन गानों को ऑफिशियली क्रिएट करवाया गया था जिसको टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे इन सभी गानों को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो तब ये एल्बम काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था फिल्म का जो एक मार्केटिंग है वो म्यूज़िक की वजह से भी हो गया था फिल्म को करीबन इकतीस अगस्त दो को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का 131 रन टाइम था मिनट वहीं पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म को करीबन 2250 सौ में इंडिया में 70 सिटीज में रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म के करीबन चार सौ बयासी प्रिंट्स और टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी और इस फिल्म को डोलबिस सराउंड सेवन पॉइंट वन में रिलीज किया गया था जहां पे एक अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के साथ फिल्म को रिलीज करवाया गया था साथ ही में इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है उसको भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे हुए थे जहाँ पे बॉडी फिल्म के सेटेलाइट ओ टी है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म को बेचे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस के ऊपर तो बॉडीगार्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी धमाके मचाई हुई थी जहां

इंडिया नेट कलेक्शन एक करोड़ छियासी लाख का करके दिखाया हुआ था ग्रोस कलेक्शन दो करोड़ पचहत्तर लाख का था ओवरसिज ग्रोस कलेक्शन छियालीस करोड़ चौबीस लाख का था और वर्ल्ड वाइड जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन फिल्म का निकला हुआ था वो था दो करोड़ निन्यानवे लाख का जहाँ पे बजट साठ करोड़ था उसके सामने करीबन दो करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया है जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉक साबित हुई थी जहाँ पे काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी सलमान खान के करियर की फिल्मों में और और साथ ही में जो ओपन ओपनिंग वीक था जिसमें बॉलीवुड ने अभी तक इतना बड़ा कलेक्शन करके नहीं दिखाया था जो इस फिल्म ने किया हुआ था तो इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े साथ ही में बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म धमाका मचाते हुए डिस्ट्रीब्यूटर एक्सिब्यूटर प्रोड्यूसर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया हुआ था और साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते फिल्म ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसको आई पे करीबन छब्बीस वोट मिले हुए थे जिसमें चार पॉइंट की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से अब हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टार के ऊपर तो ने। देखने को मिलेगी जहां पर बिल्कुल फ्री में आप बॉडी नाम के साथ सब टाइटल इंजॉय कर सकते हो वहां पर कोई सब्सक्रिप्शन या तो लॉग नहीं लगने वाला है अब हम बात करें सेटेलाइट की तो स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में बॉडीगार्ड नाम के साथ देख

प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस करके दी हुई है फिल्म की स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी दी हुई है साथ ही में फिल्म के साथ जितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए थे वो भी मैंने शेयर कर दिए है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू